हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तानिया, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड ये है मेरे पति देव। हेलो पति देव, हेलो 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 हेलो। पता नहीं आज का व्लॉग कैसा होने वाला है या क्या करूँगी, कुछ भी आइडिया नहीं है। सुबह से मैंने जो काम करना स्टार्ट किया, अब भी जाके मैं नहा के फ्रेश होके फिर थोड़ा मैंने रेस्ट करना है अभी एक घंटा शायद, उसके बाद फिर शाम हो जाएगी तो फिर से काम है। जान निकल जा रही है इतना सारा काम करने में, और हम लोगों ने कोई भी मेड नहीं रखा क्योंकि अभी शिफ्ट हुए है इसीलिए ज़्यादा काम है। बट आफ्टर सब अरेंजमेंट्स हो जाने के बाद तब उतना काम नहीं रहेगा। हम दोनों ही रहते हैं तो हमारे खाने के बर्तन, जो सारे कपड़ों के लिए भी वॉशिंग मशीन है तो उसका कोई लोचा नहीं है, तो उतना काम रहता नहीं है हम दोनों के। चाय पियोगे बबुआ? तो मैं बनाती हूँ चाय। मैं अभी किचन पहुँच के आई हूँ, 5 मिनट बाद बनाते हैं। किचन अभी गीला है, नॉर्मल बनाते हैं। वैसे तो चाय ज्यादा पीता नहीं हूँ, ग्रीन टी। मैंने ये आदत डाला है, पहले जरा सा भी चाय नहीं पीते थे, सिर्फ ग्रीन टी पीते थे। मुझे चाय कॉफी पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं कॉफी जस्ट पीना है पीऊंगा बस, बट ग्रीन टी का तो मैं तो बहुत ज्यादा कॉफी, ये कॉफी की फैन है। इनके हाथ का कॉफी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे हाथ का और भी बहुत कुछ बढ़िया है, मगर ये तारीफ करने में कतरा रही है। सीरियसली, मैं हमेशा प्रेस करती हूँ जो भी इनके हाथ का मटर पनीर, मटन बिरयानी है, मेरे मुंह से पराठे बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। और एक चीज, मटन। ये चार चीज मेरे फेवरेट है, मतलब जब भी बना दे मैं खाऊंगी, अगर तबीयत अच्छी भी नहीं है तो भी खाऊंगी। तो अगर आप हमारे घर, मेरी एक फ्रेंड आ रही है नेक्स्ट ईयर हैदराबाद में, वो ट्रीटमेंट के लिए आएगी शायद, तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ मेरे घर रुक जा, प्लीज़ मेरे घर रुक जा। तो शी इज़ लाइक नो, आई एम कमिंग विथ माई डैड ओनली। तो मैंने बोला कुछ नहीं, अंकल को भी लेके आ, हमारे घर ही रुक जा, होटल का खर्चा भी बच जाएगा और हम दोनों टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे, जो कि इधर कोई है नहीं मेरे तरफ से, तो अच्छा लगेगा। तो प्लीज अगर तू वीडियो देख रही है जल्दी से नाम भी स्पेसिफाई कर दो, तो कैसे समझेगी कि किसको बोल रहे हो, कोई भी हो सकता है। आपको पता है कौन है? मुझे तो पता है कौन, सोनिया ना। हाँ, तो सोनिया अगर तू आ रही है तो प्लीज हमारे घर पे ही रहना, हम लोग खूब सारा मस्ती करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, खाना खाएंगे, तुझे हम मेरी जैसी मोटी करके हेल्दी करके भेजूंगी इधर से। 1 वीक में बहुत ज़्यादा वेट पुटन कर लेना तू, लेगी तू होपफुली। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने कल ही किया, अपने बालों को कलर। तो मैंने किया है कलर ब्लू, ये पीकॉक ब्लू है। ओ, चलिए चाय बनाते हैं। चाय बना लो। बनाती हूँ। चाय के साथ क्या आप खाएंगे? कुछ भी ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहा हूँ, रस ले लो आज। नहीं रस, मैंने वो कुछ और चीज के लिए रखा है। तो कुछ और ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रस खाएंगे, रस की। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड गाइस, रातों का बिना कुछ किए टायर्ड नहीं, और इतना सब कुछ किए भी मैं फ्रेश हूँ। एक हफ्ते से मुझे प्रॉपर नींद नहीं आ रहा है ये शिफ्टिंग के चक्कर में, और मेन है वो रीजन। और मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूं, स्ट्रेच फॉर लाइक 7 टू 8 आवर्स, वो मैं बोल रहा हूं इसको, तो शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी, अच्छे से नींद नहीं आ रही है अभी बोला ना,
एक स्नोरिंग का एक वीडियो है। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा बहुत स्नोरिंग कर ही लेता हूँ गाइस, इट्स ओके। बहुत ज्यादा ठीक है ना, स्नोरिंग कर लेता हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि सोना। अरे यार एक साइड पे ये खराटे मारता है और दूसरी साइड मेरा बच्चा, और मैं बीच में, ब्रूनो नीचे सोता है और ये एक साइड पे, इधर ही सोता है ये एक साइड पे खराटे मार ही रहे उधर से। ये कल रात में ये तो खराटे मार रहे, दूसरी साइड से छोटा छोटा स्नोरिंग, छोटे छोटे बच्चों के जैसे स्नोरिंग निकल रहा है। तो मैंने उठ के देखा कौन है बे। तो ये महाशय सकते हो कि मेरी हालत क्या होती है रात को, मैं सो ही नहीं पाती हूँ इन लोगों के वजह से। फिर से मैं दो बिस्किट हटा ली थी दोनों के लिए, एक्चुअली उसका अलाव नहीं है ये स्वीट बिस्किट, बट फिर भी मैं दे देती हूँ। खराब लगता है ना, हम लोग उसके सामने खाएंगे इसलिए मैं दे देती हूँ। ये तो बहुत डांटता है मुझे इस वजह से। तो चाय इज डन। बहुत टाइम से भौंक रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला ही रहा था, तो मुझे लगा कि शायद बेटा उसको या तो बेबी लाइट दिया दो, आरटा लाइट कालो कालो मोबाइल से। तो मुझे लगा कि शायद उसको सुसु आई है, मैं लेके गई बाहर और गली के दो चार और कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने उसको बोला ब्रूनो स्पीक, ब्रूनो चिल्लाओ बाक। उन लोगों को देख के एक्साइटमेंट ऐसे पूछ ही ला रहा था, अरे बात तो कर, वो लोग तेरे पे रोब जा रहे हैं, तू भी कर, मेरा बेटा है आफ्टर ऑल। नहीं, उनको देख के ये एक्साइटेड बाबू। फिर सुसु भी नहीं किया, मैं घर पे ला के मैंने इसको टाई कर दिया, ये पनिशमेंट है। मैं जब बोल रही थी स्पीक स्पीक, तब क्यों बात नहीं किया। तो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जो इन माँ बेटों ने, मतलब मेरा लाइफ तो झंड कर रखा है इस ब्रूनो ने और इसकी अम्मा ने। हुआ ये कुछ देर पहले हम लोग वॉकिंग पे गए थे ब्रूनो को लेकर नीचे हम लोगों की कॉलोनी में, और देयर आर स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रीट डॉग्स इन आवर एरिया। हुआ ये कि ये तो कभी भी रिएक्ट नहीं करता उनको देख के, मगर उनमें से एक बहुत रिएक्ट करता है ब्रूनो को देख के। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि ब्रूनो यहाँ पे नया कैसे आ गया, कैसा सेटल हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो ही कीप्स बार्किंग। तो अब हुआ ये कि ब्रूनो कभी बार्क नहीं करता, कभी रिएक्ट नहीं करता, उल्टा वो खुश होता है उनसे जाके मिलने के लिए। दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ ब्रूनो। तो अभी क्या हुआ, उसके मॉम ने, मतलब मोना ने, जाके उन स्ट्रे डॉग्स को खिलाना शुरू करा मेरे साथ ही। सो दे गॉट यूज टू बोथ ऑफ अस। तो अभी उसको मोना ने ब्रूनो को मेरे हाथ में देके उसने स्ट्रे डॉग्स के पास जाके उन्हें पैम्पर करना शुरू किया मोना ने। तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ ब्रूनो को, फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड बार्किंग लाइक हेल लुकिंग एट मोना पैम्परिंग देम। इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट, आई होप आई कुड कैप्चर दैट इन द कैमरा एंड आई कुड शो इट टू यू। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी हम लोग जाएंगे जब, आई विल डेफिनेटली शूट इट एंड विल शो इट टू यू। अभी सो रहा है, अभी पैम्पर कर रहा है, अभी पैम्परिंग ले रहा है। लुक एट हिम, इज बिकम ए बिग बॉय, इज बिकम ए बिग बॉय। ब्रूनो इज ए बिग बॉय, ब्रूनो इज ए गुड बॉय। नो, ब्रूनो इज ए गुड बॉय। नो, ब्रूनो से हाय, स्पीक। गुड बॉय, गुड बॉय ब्रूनो। ओ अच्छा, ओ अच्छा, ये हमेशा हमेशा माँ का लाडला है, माँ का लाडला बिगड़ गया बोलते हैं ना, ऐसा है ये। मेरे पास थोड़ा डर डर के रहता है बिकॉज आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट विद हिम। उसके मॉम के पास, और जब मॉम का सहारा होता है ना, इसको पसंद ही नहीं है डांस का। नो नो, फाड़ दिया टी शर्ट, वंडरफुल। उसको उससे डांस बर्दाश्त नहीं होता, डांस देखा नहीं जाता। जब भी हम में से कोई डांस करते हैं ऐसे ही कैजुअली, तो उसे लगता है समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, स्टार्ट्स
jumping on us and he tries to bite us and stop us. I don't know why. What's wrong? Look at him. I ballet dance हो रहा है दोनों के बीच में. हाय क्या romantic dance. Romantic dance. तेरे कान ना पकड़ लिया तो मैंने. हाँ कौन पकड़ूँ कौन पकड़ूँ. माम को कटेगा माम को कटेगा. फिर biting. No biting. No biting. No biting. No biting. No. Stay. Sit. Hey. Sit. Sit. You know, sit. Sit. Mom ke samne. Good boy. Good boy. You know, give me five. Give me five. No, give me five. Give me five. Sit. Sit. You know, sit. अभी खेलने के मूड में बहुत एक्टिव है. अभी सुनने का नहीं कमांड नहीं लेगा. Sit. Sit. Sit down. You know, sit. अभी खेलने के मूड में गाइस. मैंने शायद आपने मेरे लास्ट व्लॉग में शायद हमारे देखा होगा मैं उसको कैसे कमांड करता हूँ और कैसा लेता है. माँ के साथ जब भी रहता है भूल जाता है कि बाप भी खड़ा है. बाप को मानना चाहिए मानना चाहिए. हाँ मारूंगा ना थप्पड़ पड़ेंगे ना मुँह पे थप्पड़ पड़ेंगे ना मुँह पे थप्पड़ पड़ेंगे ना मुँह पे सीधा हो जाएगा. चलिए गाइस मोना भी वन एंड द सेम. मैकरोनी हो या पास्ता हो जो भी हो सो दोनों कैसे बनेगा तो लेट्स सी. मैकरोनी फॉर डिनर. কি বাবা কুতুরুস কুতুরুস. मैं जब भी किचन में आती हूँ ये भी आके बैठ जाता है इधर. सिट ब्रूनो सिट. गुड बॉय. की चाहिए की लगे खावा लगे. दारू इसको मैं बिस्किट देती हूँ. बिस्किट चाहिए. माथा की हुए छे सिट सिट सिट. माथा की हुए छे अब जोर लगे छे. दोपहर को विवेक ने मटर पनीर बनाया था और मैंने बनाया था जीरा राइस. तो मटर पनीर थोड़ा सा ही है. अभी रात को मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया घर के. ए शी नो. मटर पनीर थोड़ा सा ही है और रात को मेरे को मन नहीं है कुछ बनाने का. तो मैंने विवेक को बोला चलो आज मैक्रोनी खाते हैं चलो आज पास्ता खाते हैं. तो उसने बोला ठीक है चलो बनाते हैं. तो मैंने बोला नहीं आप रहने दो तुम रहने दो मैं बना लेती हूँ. तो मैं अभी बनाऊँगी पास्ता. तो उसके लिए जो जो चीज़ है मैंने वो सारे कट करके ऑलरेडी रख दिया. हाफ प्याज हाफ टमाटर एंड हाफ कैप्सिकम. Let's see. मैडम गई है फ्रिज में ढूंढने कुछ. देखते हैं क्या क्या ले रहे. बटर 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 बटर. यार पूरा जोकर के ऐसा लग रहा है कलर मस्त एकदम अमेजिंग. आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट बड़ी. जोकर जोकर मतलब वो जोकर नहीं जोकर मूवी में जो उसका फेस का कलर रहता है ना पेंटिंग का वैसा. आई लव इट. Thank you.
मेरे को एक और चीज़ बतानी थी आप लोगों को, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शौक भी हूँ। सो वो ये है कि मुझे Lakme से कोलाब्रेशन की ईमेल आई है। तो मैं अभी किस चीज़ के लिए मैं अभी ये नाम नहीं बता सकती, जो कि उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से ये गलत है। आपको जल्दी पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। और मैंने एक्चुअली Lakme का वो प्रोडक्ट कभी भी यूज़ नहीं किया, तो मैं खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कैसा होगा या क्या होगा। तो आप देखेंगे इंस्टा पे, और जो जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डालती हूँ, आप चेक कर सकते हो। और जो जो मेरे को फॉलो करते हैं, पोनंजा। बाकी मैं ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करती हूँ। मैं अभी जाऊँगी सोने, क्योंकि 12 बज चुके हैं। हाँ, हम लोगों ने 10:30 को हम लोगों ने डिनर किया था, पास्ता खाया था, तो अभी बज चुके हैं 12। तो ब्रूनो भी सो गया है, विवेक का भी थोड़ा सा काम है ऑफिस का, तो मैं सो जाऊँगी अभी, या फिर थोड़ा एडिट करके फिर सो जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले ब्लॉग के साथ। And yeah, bye, good night.